नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अहमदाबाद दानापुर के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरुआत हो रही है और इसकी ट्रेन टिकट बुकिंग कल से शुरुआत की जाएगी। कल यानी कि 12 मई से इसकी टिकट बुकिंग शुरुआत होगी। ये ट्रेन बीच में कहाँ कहाँ रुकेगी और कब से कब तक ट्रेन चलेगी, कौन सी तारीख को चलेगी और कौन से दिन में चलेगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि ट्रेन के रिलेटिव हर तरह के अपडेट जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि जब भी कोई ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरुआत की जाती है या ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है या ट्रेन टिकट बुकिंग IRCTC में कुछ अपडेट आता है, उसका जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहली है गाड़ी संख्या 0435 अहमदाबाद से दानापुर के लिए। ये ट्रेन आपको 13/5/21 से यह ट्रेन गुरुवार 21 को यह ट्रेन चलेगी, ठीक है। 13 मई को यह ट्रेन चलेगी गुरुवार को। और ये आपको गाड़ी संख्या 0934 दानापुर से अहमदाबाद के लिए 15 मई को चलेगी ट्रेन शनिवार को। इस बीच में ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, छायापुरी, रतलाम जंक्शन, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडोल सिटी, भरतपुर जंक्शन, अछनेरा जंक्शन, मथुरा जंक्शन, कासगंज, फरुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दोनों दिशाओं में यह ट्रेन रुकेगी इस सभी स्टेशनों पे, ठीक है। और गाड़ी संख्या 0435 यानी कि अहमदाबाद से दानापुर के लिए जो ट्रेन 13 मई को ट्रेन चलेगी उसकी टिकट 12 मई को की जाएगी, ठीक है। यानी कि अहमदाबाद से दानापुर के लिए गाड़ी संख्या 0435 की बुकिंग की जाएगी 12 तारीख से, ठीक है, यानी कल से। इस ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस तरह के ट्रेन के रिलेटेड हर तरह के अपडेट जानकारी आपको समय